देखिए सुविधाएं तो ऐसा है कि यहाँ पे एक तो पहला तो उनको ये फील आना जरूरी है कि हम वृद्धाश्रम में नहीं है, राजाश्रम में है। राजाश्रम मतलब क्या है? कोई यहाँ पे कोई राजा की सल्तनत या वैसा नहीं है, बट राजा मतलब क्या, हर इंसान अपनी मर्जी से जी सकता है। जबकि अपना परिवार छोड़ के जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको एक फील आना चाहिए कि हम वृद्धाश्रम में नहीं है, हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जिंदगी में मतलब खुशियाँ हैं। खुशियाँ उनको बच्चों के साथ भी मिल रही है, बट कुछ कारणवश आज वृद्धाश्रम या राजाश्रम एक अनचाही ज़रूरत बन चुका है लोगों की। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम हमने राजाश्रम क्यों दिया, तो जिस तरह से हम यहाँ उनको हाथों पे रखते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि हमें घूमने जाना है हम उनको घूमने लेके जाते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि हमें ये खाना है, उनका मेनू बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो मेनू है, जो हमने मेनू डिसाइड किया हुआ है, उसके अलावा उनको ऐसे लग रहा है कि हमें ये खाने को चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उनकी मन मर्जी से वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत कर सके। और राजाश्रम का नाम हमने इसलिए दिया कि यहाँ पे वो राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। घर में कितनी बार ऐसा होता है कि बेटे हैं, बेटी है, बहू है, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते या जो भी वजह हो, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको इतनी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। हमारा जो अगर आप मेन्यू यहाँ पे स्टडी करेंगे तो सुबह में हमारी जो दिनचर्या शुरू होती है सुबह 7:30 से शुरू होती है। सुबह वो उठते हैं तो उनको सुबह में टाइम पे चाय मिलती है, उसके बाद में वापस ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद उनका लंच रहता है, लंच के बाद में हम वापस उनको इवनिंग में 4:30 के करीब उनको चाय बिस्किट वगैरह दे रहे हैं, उसके बाद शाम को वापस 6:30 को उनको सूप मिलता है, सूप के बाद उनको वापस। और क्योंकि उनके लिए ये टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी है कि कुछ एज के बाद उनकी जो बॉडी है वो मतलब जो डिनर टाइम है वो हर चीज़ पंक्चुअल होनी चाहिए, वो हिसाब से उनकी बॉडी उस तरह से टर्न होने लगती है। लेकिन घर में बहुत कुछ वजह से हम उनको वो चीज़ें नहीं टाइम पे दे पाते, लेकिन यहाँ हर सिस्टम टाइम पे है। 6:30 को सूप के बाद में उनका डिनर टाइम होता है 7:30 का, 7:30 का डिनर के बाद में करीब करीब हम उनको 2 आवर्स का गैप देते हैं और 9 o'clock उनको रात को मिल्क मिलता है। इसके अलावा जो भी सीनियर सिटीज़न है वो अगर चल फिर सकते हैं या उनको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है तो ये यूनिट में, क्योंकि वो वाला जो हमारा यूनिट है उसमें ज़्यादातर बेड रिटन लोग हैं जो कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बट फिर भी हम उनको एंटरटेन करते हैं। और यहाँ पे अभी ये जो आश्रम हम जो यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उसमें हमारे पास जो भी इंक्वायरी आ रही है तो यहाँ पे हम योगा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक प्रवचन, ये सब की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्लस उनको कोई ना कोई गार्डनिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम उनको हैंड ओवर करने वाले हैं कि ये काम आपका है, ये आपको करना है। तो राजाश्रम मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हम यहाँ पे कोई उनको कोई किंगडम दे रहे हैं या हम यहाँ पे कोई उनको सल्तनत दे रहे हैं, बट हाँ ऐसी लाइफ दे रहे हैं कि जो वो घर में नहीं जी पाते। घर में आप खुद देखिए कि हमारे अपने खुद का खाने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम उनको हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक बार सामने बताई थी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, क्या क्या बाकी नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए वृद्धाश्रम हम मेरा उसमें मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि समय के साथ इंसान में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। वृद्धाश्रम होने भी चाहिए और नहीं भी होने चाहिए। जिन बच्चों के पास या जिन गार्जियन के पास अगर समय है तो वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आज टाइम ऐसा आ गया है कि हस्बैंड भी जॉब करते, वाइफ भी जॉब करते, दोनों वर्किंग है, तब उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। प्लस आपको हम बताएं कि जब ऐसे घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो आप देखिए कि आज बहुत सारी जगहों में लूटफाट होती है, या सीनियर सिटीज़न को आप पेपर में पढ़ते होंगे कि कभी उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। तो वो सेफ्टी पर्पज़ से भी अगर देखा जाए तो वृद्धाश्रम कोई गलत नहीं है वृद्धाश्रम में आना, लेकिन हाँ बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं कि बच्चे यहाँ छोड़ जाते हैं और बाद में देखने भी नहीं आते, वो गलत है। लेकिन हाँ अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ रहना पसंद करते हैं और बच्चे चाहते हैं कि हमारे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी मिले, और वो वीक में 15 दिन में, यहाँ पे ऐसे बहुत से फैमिली है जो अपने पेरेंट्स को 15 दिन में मिलने के लिए आते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि वृद्धाश्रम में रहना कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ दोनों बाजू मतलब एक सिक्के की दो पहलू है, आप इसको किस तरह से लेते हो, नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ समय के साथ समाज में परिवर्तन हो रहा है,
तो ये अनचाही मतलब जरूरत बन चुका है अभी वृद्धाश्रम जो है, जिनको मतलब हम ये कह सकते हैं कि नहीं चाहते हुए भी खुल रहे, और कितने सीनियर सिटीजन है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आश्रम है जो सीनियर सिटीजन होम्स चला रहे, तो इसका कोई मतलब बोलते ना कि तोड़ नहीं है। अगर हम ये बोले कि बच्चों ने निकाल दिया तो वो भी गलत है, लेकिन अगर इसको हम ये देखें कि हाँ वो उनकी नीड्स बन चुका है, बच्चे उनकी यहाँ पे आके मिलते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि वृद्धाश्रम होना भी चाहिए। शुरुआत में मैं कितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई है? जी हमारा जो पहला यूनिट है उसमें करीब अभी 40 लोग हैं और वो अभी फुल हो चुका है, और यहाँ पे 55 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 55 तो कुछ चार्ज भी है उसका? हाँ जी, हम लोग यहाँ पे चार्ज जो है वो पेशेंट को देख के ले रहे हैं, क्योंकि चार्ज इसलिए लेना पड़ता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी है इसकी हमारी पूरी रेंटल प्रॉपर्टी है, जबकि इन फ्यूचर हम बहुत जल्द जमीन को सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमारे हाथ में जमीन आ जाएगी हम यहाँ पे करीब करीब 300 की कैपेसिटी का आश्रम बनाना चाहते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, और जितनी जल्द हमें ज़मीन मिलेगी, प्लस हमें चार्ज लेना पड़ता है, बट बहुत नॉमिनल चार्ज हम लेते हैं, किसी का 6,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है, लेकिन उसमें हम उनको डॉक्टर सर्विसेज देते हैं, खाना पीना रहना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हम उनको दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज हम दे रहे हैं। ये आश्रम में हम उनका हर 4 मंथ्स में मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, जो कि जिसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, जो भी डॉक्टर्स के चार्जेस है वो हम उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे। अब उसके लिए ऐसा है कि हमने नगर पालिका से अभी जैसे ही हमारी आमदार से बात हुई है नरेंद्र मेहता जी से, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे आमदार फंड में आमदार निधि से MLA फंड से जो भी होता होगा, हमने उनसे अनुदान की भी मांग की है कि यहाँ पे तो चलो हमारे पास जगह कम है, लेकिन नए आश्रम में हम करीब करीब 50 से 100 सीट ऐसी रखना चाहते हैं कि जो कुछ भी एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं भर पाते, जो फ्री ऑफ चार्ज जिसको बोला जाता है, बट उसके लिए हमें अनुदान की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि आज की तारीख में आश्रम चलाना मीन्स इसका लाइट पानी, और प्लस आप देखते हैं कि केयर टेकर है करीब करीब, यहाँ पे हमारा जो यूनिट चल रहा है उसमें 10 से 12 केयर टेकर जो कि जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी है, ऐसे बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस है, इसके लिए हमको उनसे ये चार्ज लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट से कोई अनुदान मिलता है तो नेचुरली हम उसमें जो भी चार्ज हम ले रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट करेंगे, कुछ ना कुछ कम करेंगे और उनको हम एडमिशन देंगे। जबकि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये टारगेट है कि उसमें करीब करीब हम उनको एक फैमिलियर एटमोसफियर दे पाएँ। वृद्धाश्रम के साथ हम ऑफनेज करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है उनको भी एक परिवार मिल जाता है, उनको दादा दादी मिल जाते हैं और दादा दादी को बच्चे का प्यार मिल जाता है, तो वो एक हमारी फ्यूचर प्लानिंग है जो हम करना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसा था कि मैं मार्केटिंग फील्ड में था पहले, मुझे वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कांदीवली वेस्ट में जो कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे मैं मार्केटिंग का करता था, तो वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक ऐसा वृद्धाश्रम है। अभी वेरी फ्रेंक मुझे पता नहीं था कि वृद्धाश्रम क्या होता है, कि वहाँ पे लोगों को कैसे रखा जाता है क्या नहीं। जस्ट मैंने एक विज़िट की कि मुझे इंटरेस्ट है, मैंने विज़िट की वहाँ पे, मैंने पूरा दिन बिताया उन लोग के साथ में, वहाँ बैठ के मैंने खाना खाया, वहाँ पे भाजी लगाई जाती थी और भाजी भी काटी उन लोग के साथ में, मतलब पूरा दिन मैंने स्पेंड किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ इन लोगों के लिए, तो फिर मैं तुरंत जुड़ गया। उस दिन आई विल रिमेम्बर 28 सितंबर थी, तभी 29 को मेरी सैलरी होने वाली थी और मैंने 29 को सुबह ही वहाँ रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, वहाँ रिज़ाइन करके मैंने सीधा ओल्ड एज होम मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हो गया, करीबन मुझे 4 से 5 साल हो गए ये फील्ड में, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसमें छोटी बड़ी चीज़ों को लेके। और अभी हमारे और भी जैसे मैडम ने बताया काफ़ी प्रोजेक्ट हम लेके साथ में चल रहे हैं, कि जैसे कि जिनका कोई है उनको तो सब देख रहे हैं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए भी हम बहुत कुछ सोच के अगर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम सोच रहे हैं कि उनके बेस्ट से बेस्ट सुविधा दे सके, और उन्हें सबसे बेस्ट कि उनका कोई नहीं है उन्हें हम इतना बड़ा परिवार दे सके और अपनापन हम उन्हें प्रदान कर सकें। गवर्नमेंट का एक्चुअली ऐसा रहता है, गवर्नमेंट के लिए ऐसा है कि हमने अनुदान के लिए अभी जो भी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, जो यहाँ के MLA हैं, जो भी नगर पालिका है उसमें हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर
अनुदान देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो ये लेकर बैठे हैं तो हमें चलाना ही है। अब वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कौन सी योजना के अंतर्गत हम लोग फिट बैठते हैं, प्लस यहाँ का जो प्रशासन है वो हमको किस तरह से मदद करेगा, वो आने वाले समय पर डिपेंड करता है कि हमारी जो भी डिमांड्स है वो किस तरह से वो पूरी कर रहे हैं। नहीं, लोगों ने काफ़ी डोनेशन, अभी जैसे हमारी जो जो चीज़ें की ज़रूरियात है तो बहुत से लोगों ने हमें इसमें ये प्रोजेक्ट में हेल्प किया है। जैसे अभी आपने अंदर बेडिंग लगे हुए देखे हैं, बेड देखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने बेड भी दिए हैं, बहुत से लोगों ने बेडशीट दिए है, ब्लैंकेट दिया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर भी दिए हैं, कुछ जैसे संजय भाई है जो उनकी तरफ से हमें 3 वाटर डिस्पेंसर मिले हैं, बहुत से लोगों ने डिशेज दी हुई है, किसी ने डिनर सेट दिया है, किसी ने फ्रिज के लिए डोनेट किया है, किसी ने 2 टीवी के लिए, ऐसे बहुत सारी हमारी चीज़ों की लिस्ट है जो हमने लोगों तक पहुँचाई है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग हमारे पास आ रहे, अदरवाइज हम पूरा एक साथ वहाँ स्पेंड कर चुके हैं, हमने ये नहीं देखा है कि लोग देंगे तो ही ये आश्रम चलेगा, लेकिन हाँ हम ये बोल रहे हैं कि हम ये ले चुके हैं, अगर आप हमें मदद करते हो तो जो भी पेमेंट हमने चुकाया है उसका बिल हम आपको देंगे और वो डोनेशन जो है वो ट्रस्ट के पास जाए जी। इसके अलावा हमारा जो है वो उत्तन की तरफ केशव सृष्टि के पास पालखाड़ी एरिया में आश्रम है जो मेवाड़ा सेम ट्रस्ट के अंदर परेश भाई चंदाराणा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर मेवाड़ा राजाश्रम चल रहा है, जिसमें 40 के करीब सीनियर सिटीजन अभी रह रहे हैं, बट वहाँ पे अभी हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनका एकोमोडेशन फुल हो चुका है, इसीलिए हमने ये दूसरे यूनिट का ओपनिंग किया हुआ, सेम फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम दे रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट में अभी फिलहाल हम लोग 4 ट्रस्टी हैं, मैं हूँ, जय सुतार है, सनी मेहता है और निर्मला वोरा है, और इसके अलावा एक हमारी मार्गदर्शक कमेटी है जिसके अंदर करीब करीब 11 लोग हैं, एडवाइजरी बोर्ड है। ये आने में अगर आप देखो एक नीड और नेसेसिटी बन चुका है, बिकॉज लोग बिजी होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, पेरेंट्स आर समवेयर बीइंग इग्नोर्ड, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट मॉम हैज टेकन, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हाट शी इज डूइंग हियर एंड व्हाट शी इज डन इन पास्ट 1.5 ईयर विद जय। वेल, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अदर सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो, राइट नाउ आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर दिस, आई एम जस्ट न्यू टू दिस फील्ड, बट या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी यू नो समथिंग विच यू आर डूइंग इज ह्यूमैनिटेरियन इन द एंड। अपना अपना व्यू पॉइंट है, मेरे हिसाब से होने चाहिए, जिनको लगता है हमें यहाँ रहना है वो आके रहे, जिनको नहीं लगता है वो अपनी फैमिली में रहे, क्योंकि हर एक ओल्ड एज होम का एट द एंड एक मोटिव होता है टू गिव अ एनवायरनमेंट विच इज सूटेबल फॉर दैट पर्सन, अगर आप वो एनवायरनमेंट यहाँ दे सकते हो तो व्हाई नॉट। कोई फॉर्चुनेट होते हैं, कोई अनफॉर्चुनेट होते हैं, ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ है अभी कि ये वृद्धाश्रम जो व्याख्या पहले से चली आ रही है, वृद्धाश्रम इसमें काफ़ी अभी बदलाव आए हैं। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आने लगी है कि वो खुद स्वेच्छाएं अपने आप वृद्धाश्रम में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके जैसा एनवायरमेंट मिले, उनके जैसे लोग मिले जिनसे बैठ के वो अपनी तरह की बातें कर सके, थोड़ा सा अपनी लाइफ के हिसाब से जी सके एक दूसरे के साथ, जैसे कि फ्रेंड्स जीते हैं तो खुद अभी अपने आप आने लगे हैं। इफ यू सी इन यूके और इफ यू सी यूएस, इट्स अ वेरी कॉमन कंसेप्ट वेयर यू हैव सीनियर सिटीजंस होम। राइट नाउ इन इंडिया ओके इट इज पिकिंग अप, बट अगर यूके यूरोप और यहाँ जाके देखते हो, सामने से लोग वहाँ जाके दे टेक एडमिशन एंड दे स्टेइंग देयर बिकॉज वहाँ पे उनको काइंड की फैसिलिटी दी जाती है। तो इंडिया में इट्स अ न्यू कंसेप्ट, इट्स न्यू बिकॉज हमारे कल्चर में नहीं है, बट वी आर अडॉप्टिंग वेस्ट, सो वाई नॉट दिस एज वेल। सीनियर सिटीजन को यही मैसेज देंगे कि जहाँ तक हो सके जैसे उनके जो परिवार हैं अगर उनका अच्छी तरह से बच्चे देखभाल करते हैं और वो केयर करने को अपने माता पिता के तैयार हैं तो उनको वृद्धाश्रम में मेरे ख्याल से तो वहीं रहें, अपने घर में रहें, वो अच्छा है। ये ऐसा है कि ऐसा आजकल हो गया है कि ये जैसे बोला कि अनचाही नीड, अनसॉलिसिटेड नीड हो गई है कि ना चाहते हुए भी ऐसे वृद्धाश्रम खुले हैं
जो केयर करते हैं वृद्ध जो सीनियर सिटीजन्स के, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनको देते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको देते हैं, तो ये अनचाही नीड है। तो ये अभी ज़रूरी हो गया है कि जो बहुत बिजी रहते हैं बच्चे आजकल, तो माँ बाप की केयर नहीं कर पाते, तो माँ बाप को भी लगता है कि बच्चे बिजी हैं तो हम अपना टाइम पास या हम कहाँ जाएं, तो ऐसे वृद्ध आश्रम खुले हैं तो वो वहाँ आ जाते हैं और जैसे अपने हम उम्र के साथ वो लोग रहना पसंद करते हैं कि उनके साथ में एक्टिविटीज़ करें, उनके साथ में रहें और प्यार मोहब्बत एक दूसरे से बना रहे, तो उनका टाइम पास यहाँ अच्छा अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से वो व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कहा कि ये वृद्ध आश्रम नहीं है, ये एक राजा आश्रम है जहाँ राजाओं की तरह उनको यहाँ रखा जाएगा, उनको हर तरह की माहौलियत, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको यहाँ दी जाएगी। नहीं, आप लोगों के सभी की तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि ये वृद्धाश्रम ज़रूरी है कि नहीं, काफ़ी लोगों ने काफ़ी बोला, तो मैं भी यही रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे ये अनचाही ज़रूरत जैसे बता रहा है तो राजा वृद्धाश्रम वैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये जैसे ज़रूरत बन चुका है, घर में घर के इश्यूज़ होते हैं, छोटे घर होते हैं, वर्किंग कपल रहते हैं और ध्यान नहीं दे पाते, तो यहाँ पर जब वे वृद्धजन आते हैं और उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, और एक क्या होता है कि जनरेशन गैप भी होता है तो घर में वो एक उनको प्रॉपर माहौल नहीं मिलता, तो यहाँ हम उम्र के लोगों के साथ जब वो लोग रहते हैं और जैसे यहाँ पे एक टैगलाइन है कि वृद्धाश्रम ही राजाश्रम है और उनको अच्छे में अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उनकी ये जो लेटर स्टेज की एज है वो हैप्पीली अगर वो लोग स्पेंड कर रहे हैं और खुश रहे और उनके ये राजाश्रम की वजह से घर वाले भी खुश है और ये वृद्धजन भी खुश है, तो जरूर होना चाहिए। थैंक यू।